क्यों? कोई स्त्री रोकेगी तुम्हारी? सोच लेना कि डॉक्टर साहब ने क्या कर रखा है। अच्छा, रास्ते में कोई स्त्री रोकेगी, रुकना मत, चाहो कुछ भी पूछे आपसे। तुम्हें मैंने 100 की 9 बता दी है। ओके, वो तुम्हें भरमाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं आनंद राज और आज का ब्लॉग होने वाला है 170 किलोमीटर ना, तो 170 किलोमीटर और भैया के घर जा रहा हूं। भैया अपना गांव का नाम बताइए। बरसूरी पावो ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी गढ़वाल जा रहा हूं बरसूरी, और 170-180 किलोमीटर मार लीजिए, लगातार चलूँगा और गढ़वाल पहुँचूँगा, फिर वहाँ के गाँव का लाइफ स्टाइल सब चीज़ दिखाऊँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो अंत तक देखें, और आपको देहरादून से होते हुए, देवप्रयाग से होते हुए पौड़ी गढ़वाल जाऊंगा और वहां का नज़ारा दिखाऊंगा आपको। आप कुछ दिनों तक आपको पौड़ी गढ़वाल का ही ब्लॉग्स मिलेगा, तो देखते रहिए। और यहां से निकलते हैं हम लोग। पूरी पैकिंग हो गई है, देखिए सेटअप हो गया। भैया का भी अलग स्कूटी है, मेरा अपना बाइक से जाऊँगा। और देखिए कार्तिक, कार्तिक जय श्री राम बोलो। जय श्री राम बोलो। ओके, जय श्री राम। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं। ओके, तो गाइस तेल भरवा लिया 700 का, तो टंकी पूरा फुल हो गया है। अब निकलते हैं सीधा, अभी देहरादून, अभी तो देहरादून के एक छोटा सा एक जगह पे सुद्धू वाला, यहाँ से अब निकलते हैं सीधा। और देहरादून क्रॉस करने में मुझे शायद 14-15 किलोमीटर लग जाएगा देहरादून पूरा क्रॉस करने में। उसके बाद ऋषिकेश से होते हुए, देवप्रयाग से होते हुए हमें बसूरी गांव जाना है। तो चलिए चलते हैं और अपना रफ्तार बढ़ाते हैं, फिर मिलते हैं आपको अच्छी लोकेशन पे। देहरादून का सबसे फेमस प्लेस है, मेन यही चौक है घंटाघर। यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे सारी जगह की रास्ता करती है। जाएगा जिस में अंकल सब पिघल गया। देखिए रामझूला, वेलकम टू रामझूला। और आगे जो है, आगे का रास्ता है वो लक्ष्मण झूला का है। ये वाला रास्ता है जो लक्ष्मण झूला जाता है, लक्ष्मण झूला पुल। और इधर बद्रीनाथ और देवप्रयाग का सीधा रास्ता है। इसी के से यहाँ से 291 किलोमीटर है और केदारनाथ 223 किलोमीटर है। बैठो बैठो। मैं बिहार से हूँ। कहाँ जाना? नीर झरना, कोई वाटरफॉल है ऊपर की ओर,
है ना। और रहने वाले कहाँ के हो? मैं, हाँ मैं टेरी का। टेरी का हो? चंबा? चंबा तो नहीं है पर उसके पीछे लगभग देवप्रयाग से आगे मतलब 20 किलोमीटर आगे। अच्छा ओके। आप बिहार से आए डर? नहीं मैं देहरादून में रहता हूँ। अच्छा जी। उत्तराखंड के कुछ ऐसे रोड मिलेंगे आपको, रोड पे ही पहाड़, आप रोड पे ही पहाड़ दिखेगा है ना। और पत्थर कब गिरेगा कुछ भरोसा नहीं ना, है ना, कह रहे पत्थर कब गिरता है इसका कुछ भरोसा नहीं, इसका कुछ भरोसा नहीं है पत्थर कब गिरता है क्योंकि बारिश इस बार तो बहुत कम ही हुई है। अच्छा इस बार बारिश कम हुई है? हाँ ये तो जाम लगा देता है ये यहाँ पे ख़त्म ही है मतलब पूरा रोड पे आ गया है ना। हल्का सा कार होने वाली जगह देखिए गिर गया ना नीचे। ये तो पहले ऐसी थी, पहले ऐसी थी, अब चौड़ी हुई तो इसके वजह से गिरना चालू हुआ है ना। हाँ बहुत ज़्यादा। आ गया इनका लोकेशन? ये आप ही के साथ के? हाँ मेरे साथ हैं। चलिए हाँ। नहीं नहीं तो बच्चा क्यों था ऐसे कैमरा देख कर, कैमरा लगा हुआ ना इसलिए मुस्कुरा रहा था वो। कैसा झरना का मजा ले रहे हैं है ना। जब आपदा आई थी ना आपदा, हाँ वो पूरा धुआं हुआ था यहाँ पे। ओके वहाँ चढ़ा हुआ था पानी वहाँ जो रात है ना है पूरा खतरनाक है ना। रास्ता पूरा एकदम पतला हो गया मतलब पूरा आधा रास्ता पे ही आ गया। ये ताज़ा है? ये ताज़ा ताज़ा गिरा है अभी हाल फिलहाल में ना, सूखा हुआ नहीं है, गीला है मतलब ताज़ा है। यहाँ रेस्ट करते हैं। ओके एक टॉप की जगह देख और भैया इधर इस जगह को बोलते हैं तोता घाटी नीचे की तरफ। अच्छा नीचे जो है तोता घाटी। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके हाँ उत्तराखंड परिवहन निगम की बस थी वो गई थी एकदम से नीचे नीचे चली गई थी। अभी दिखाऊंगा मैं आगे जाके। अच्छा वो साकनी धार बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है तो ये ऐसा नहीं है कि कभी नीचे चला जाएगा ऐसे बाके? नहीं अगर कभी ऐसी आपदा आई तो जा सकता है ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा क्योंकि यहाँ की मिट्टी वैसे है ना खिसकने वाली मिट्टी है। हाँ 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 जाता है तो पूरा पहाड़ी जाता है सूंघ करके पूरा ना जैसे वहाँ वहाँ पे लगता है मजबूत चट्टान नहीं है वहाँ पे लगता है जा रखा है वहाँ से वो ना ऊपर से कटान ही हो रहा है। हाँ उधर जो है वो सब लोग बसे हुए हैं उसका रास्ता वो है ना ये रास्ता ना गांव बसा दे ऊपर। अच्छा ये पूरा गांव पूरा ऊपर गांव है। ओके सही है सही है। यही रास्ता चला जाता है देवप्रयाग केदारनाथ वाला भी यही रास्ता है यही है केदारनाथ हाईवे है। अच्छा, केदारनाथ ये वाली। ओके चश्मा सही लग रहा है आपका चश्मा सही लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। एक ही लाए हो एक हमें भी दे दो। यहाँ पे खाना पीने का भी व्यवस्था हो जाता है। ये देखिए ऑमलेट बन रहा है भैया ऑमलेट बन रहा है भैया। अच्छा गैस भी लेके आ रखे सही है सही है। कहाँ जा रहे हो? दिल्ली से ये अभी तो गुप्तकाशी रुकेंगे। अच्छा कल केदारनाथ जाएंगे। अच्छा केदारनाथ का टूर है बद्रीनाथ केदारनाथ फिर उसके बाद देखेंगे टाइम मिला तो ओली भी जाएंगे। ओली तो पूरा बना दो। हाँ हाँ क्या चैनल का नाम क्या है? IAM आनंद राज। कहाँ से हो आप? मैं बिहार से। नहीं नहीं मैं बिहार से लेकिन देहरादून में। देहरादून में जा रहा हूँ घूमने। आपके साथ कोई दिल्ली से भी है क्या? बाइक वाइक खड़ी हुई जा रहे हैं? पौड़ी 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 गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल जा रहे होंगे? नहीं नहीं हम लोग तो ये हैं। अच्छा अच्छा ओके यही है
चैनल का नाम बस राज लगा दो। आई एम आनंद राज, आनंद राज, आई एम आनंद राज। ठीक है बढ़िया, ठीक है ओके ओके। रुक जाओ भैया थोड़ा फोन खोस ले, आपको लेट तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं आ जाओ। चले तो थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद निकल गए हैं और यहाँ पे व्यू काफी अच्छा था, है ना? लोग यहाँ पे रास्ते में खाना पीना बनाते हैं, खाते हैं। इनका देखो कुछ हो गया है, टायर पंचर हो गया है। टायर पंचर हो गया भैया, टायर पंचर हो गया। लो कोई जवाब। तो गाइस बीच रास्ते में शिव भगवान का वो इतना प्यारा मूर्ति मिला है, प्रतिमा देख सकते हैं। ये देखिए, जय भोलेनाथ भैया, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। रुको भैया, हेलो, रुके नहीं, कोई नहीं। ये ना, हाँ ये भागीरथ नदी आ रही है हमारी, हाँ ये वाली भाग, हाँ चमुंडा से निकलती आ रही गोमुख से, ये भागीरथी नदी, ये भागीरथी, हाँ ये अलकनंदा नदी, अच्छा दोनों मिलके जा रही है, इससे यहाँ पे संगम है। तो गाइस ये हैं भागीरथी जी, इनकी प्रतिमा है और इनकी प्रतिमा का हालत ऐसे हो गया है, वहाँ पे नल लगा हुआ था जो कि अभी नहीं है गाइस। वो आ रही है भागीरथी ना, और इधर से अलकनंदा, दोनों मिल के गंगा नदी यहाँ पे बन रही है ना भैया? अच्छा अच्छा, वो वहाँ से हम लोग आए, वो वाली ना, और हम इस वाली रोड पे, हम लोग ऐसे नीचे से आए, हम इधर से आए ना, रोड दिख रही सामने, हाँ 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 इस तरफ, और वो वाली ऋषिकेश दे रहा तुम, ये देखिए व्यू, वो गंगा नदी है, उधर जाके मिलती है, वो सीधा जा रही है गंगा नदी, और गांव ऐसे बचा हुआ बीच बीच में, है ना? बहुत प्यारा व्यू है। वो वाली रास्ता चली जाती है देहरादून और ऊपर वाली, और ये जो जो हम लोग जिस रास्ता से आए। और अंकल नमस्कार, नमस्कार, बहुत मेहनत करते हो, घास लेके जा रहे हो बकरी के लिए? हाँ। ओहो, यही इसी गांव से हो, सिराला खाल? हाँ, इसी गांव के हैं। सब बकरियां का अलग अलग नाम है या फिर? नाम नहीं है, बकरी बकरी है बस। हाँ। ओके, आप लोग कहाँ के हैं आप? हम बिहार से आए हैं, बिहार से। कहाँ जा रहे? बिहार से आए हैं, पौड़ी गढ़वाल जा रहे हैं, पौड़ी। अच्छा, नौकरी है वहाँ? नहीं नहीं, घूमने जा रहे हैं। अच्छा, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हाँ पटना, पटना गाइस, ये देखिए व्यू, वो यहाँ दिख रहा होगा मुझे तो दिख रहा है, उधर भागीरथी है, इधर से अलकनंदा जाके दोनों मिल रही है, और गंगा नदी बह रही है, और ये उधर वाला सारा पार्ट टिहरी में आता है, इधर वाला पौड़ी में आता है। एक बार और अच्छे से आपको व्यू दिखा दूँ, ये देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो चलिए चलते हैं, लेट हो रहा है मुझे। ये कश्मीर वाला फील दे रहा है भाई, कश्मीर नहीं गया हूँ बट एक बार जाना है यार कश्मीर। ये देखिए कितना प्यारा है, पेड़ यहाँ लंबे लंबे होते हैं पहाड़ों में, उत्तराखंड में पूरा क्लीन दिख रहा है नीचे। ठंडा ठंडा खाल, ठंडा खाल आ गए, वो इंजीनियरिंग कॉलेज है सामने। पौड़ी 13 किलोमीटर है, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू दिखता है, पौड़ी जाने में अभी टाइम लगेगा, 13 किलोमीटर है, बाकी आप कॉलेज करने ज़्यादा दिखाते हैं हमको। ये देखिए, हाँ भैया ये देखो हैं,
घुड़दौड़ी। अच्छा ये घुड़दौड़ी, और वो कॉलेज है? कौन सा कॉलेज है? घुड़दौड़ी डिग्री कॉलेज। अच्छा डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके ये पूरा गांव है ना? सही है। वहीं पे जाके अच्छा घुड़दौड़ी जाएंगे हम लोग। अच्छा यहाँ से व्यू देख लीजिए गाइस, ये देखिए कितना प्यारा व्यूज है। ओके बार भाई को भी दिखा। अरे भाई तो आ ही रहा है कैमरे में, पूरा व्यू आता है, सुपर व्यू आता है। मतलब यहाँ भी कैमरा रहेगा ना तो आप आ जाओगे। ऐसा है वो कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, और ये गांव है खुरदौड़ी। पेड़ देखिए कितना प्यारा वहाँ पे सजा हुआ है ना, ये चीड़ के है पूरे, पूरे चीड़ के है ना, चीड़ का जंगल है। अच्छा अच्छा सही है। और सूरजमुखी का पौधा। अच्छा ये ओके सूरजमुखी का, सूरजमुखी का पौधा मालूम है? हाँ वो है ना, शाम को सूरज इधर को जाएगा ना तो उधर ही मुड़ जाएगा। अच्छा जिधर सूरज जाएगा उधर हो जाएगा, अभी इधर है तो इधर मुड़ रखा है। ओके ओके चलिए लेट्स गो। कोई स्त्री रोकेगी रुकना मत, चाहो कुछ भी पूछे आपसे। हाँ तो मैं मैंने 100 के 9 बता दिए। ओके वो तो मैं भरमाई। तो गाइज यहाँ पे चाय पानी का नाश्ता हो गया, और ये होटल के ओनर हैं। तो बाहर से मैं दिखा देता हूँ होटल एक बार, पौड़ी गढ़वाल में आता है, हमारे ओनर हैं। आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, और चाय भी बहुत टेस्टी था। अच्छा, आपका नाम? और हमारे यहाँ स्वीट्स बनती है, बहुत अच्छी बनती है। अच्छा आपका नाम क्या है? डॉक्टर कैलाश कुप्रेती। अच्छा डॉक्टर कैलाश कुप्रेती, तो अच्छे खासे स्वीट्स बनाते हैं यहाँ पे। हमने मिठाई भी खरीद लिया यहाँ से, चाय पानी भी कर लिया। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ मतलब हम चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छी से जो है मतलब जो है सामान मिले, अच्छी 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 मिठाइयाँ मिले, और सबसे बड़ी बात है कि दूसरे कस्टमर जब खुश हो तो हमारे जो है उत्तराखंड का भी नाम हो, यहाँ का पर्यटन बढ़े, बाहर के लोग यहाँ आए, हमारी आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा हो, ये है हमारे। तो देहरादून गए हो आप? देहरादून में गए हो? अच्छा अच्छा देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर भी गया, और देहरादून में मैंने गुरु रामराय डिग्री कॉलेज भी गया था। अच्छा। मैं वहाँ अपने डिग्री कॉलेज के इंटरव्यू भी गया। अच्छा अच्छा सही है, मेरा ब्लॉग देखिएगा टपकेश्वर वाला। अच्छा। जब आपको खोल के नहीं मैं जरूर देखूंगा। ठीक ठीक है मिलते हैं। आपका शुभ नाम? आनंद राज। आनंद राज गुड। ओके तो ये पौड़ी का मेन मार्केट है, पीछे भी आपने देखा जहाँ पे होटल में नाश्ता किए, और थोड़ा सा आगे से पौड़ी का व्यू दिखेगा गांव का, वो दिखाऊंगा मैं आपको। और तो ये यहाँ से पौड़ी, ये पौड़ी दिखता है ऐसा, और आगे से दिखाता हूँ मैं आपको, वहाँ से और अच्छा व्यू मिलेगा पौड़ी का। पौड़ी का ओके, पूरा ये एरिया पूरा कवर दिखेगा। ओके ओके और यहाँ पे ऐसे पत्थरों से घर बनता है, सही है, बढ़िया बना हुआ है। लेकिन विधायक कौन बीच में जो है? जब यूपी में था ना, यूपी में, हाँ हाँ उत्तराखंड जब यूपी में था, हाँ ये उस समय विधायक शिवानंद नौटियाल, ये बीच में जो है, ये हमारे गांव से 3-5 किलोमीटर की दूरी पे इनका घर। ओके ठीक है। हाँ हाँ ये जो बीच में है। ओके और जो अभी के विधायक हैं वो ये है, कैबिनेट मंत्री घनश्याम रावत। ओके मंत्री पुष्कर धामी। अच्छा पुष्कर सिंह धामी, ये लगी हुई, ये तो खैर चेंज हो जाएंगे लेकिन वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा ये शिवानंद द्वार बनाया, मतलब ये दोनों चेंज होते रहते हैं लेकिन बीच में जो है वो रहेंगे। ठीक है ओके। लेकिन अभी क्या है, विधानसभा क्षेत्र में आगमन हार्दिक अभिनंदन सौजन्य से डॉक्टर गांधी। कहाँ जाना चाचा, कहाँ जाना है? खोल लीजिए चोपड़ी। हाँ हाँ ठीक चलिए चलिए। हाँ हाँ चलिए चोपड़ी।
तो गाइज हम लोग सुबह 7:30 बजे से चल रहे हैं। अभी कितना बज गया भैया? 5, ये देखिए 5:01 हो गया है। तो पौड़ी में थोड़ा सा रुके थे तो वहाँ लेट हो गया, और मेरा मीटिंग 5:15 से होता है, तो आज मीटिंग जंगल में ही करना पड़ेगा। ये देखिए कितना घना जंगल है, यहाँ पे नेटवर्क आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और 5:15 से मीटिंग, हमें लगा था पहुँच जाएंगे 5:15 तक, तो पहुँच नहीं पाए, समझ गए चाचा। तो सोच रहे यहीं पर मीटिंग कर लूँ, ये देखिए है ना, चाचा मिल गए थे बीच में, इनको लिफ्ट मिल गया है ना। आपका क्या नाम हुआ? बलम सिंह। तो अंकल मिल गए थे, इनको लिफ्ट दे दिए हैं, और अभी हम यहाँ पे मीटिंग ज्वाइन करते हैं, मीटिंग कंप्लीट करते हैं। करीब 15-20 या आधा घंटा चलेगा मीटिंग, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और तो गाइस मैं अपना मीटिंग ख़त्म किया अभी 45 मिनट में, और अब यहाँ से जो हम जिस विलेज में जा रहे हैं करीब आधा घंटा का रास्ता है। तो शाम हो गया, करीब 7:30 बजे निकले थे सुबह में, अभी 6 बज गया है, और मतलब 6:30 से 7 बजे तक पहुँच जाएंगे मतलब शाम को, और अंधेरा भी हो गया है। फिर मिलेंगे आपको नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, देखते हैं कल का प्लान क्या है, कहाँ जाते हैं। बारह घंटे हो गए और रात को पहुंच रहे हैं 7 बजे। मैं सही से खड़ी कर दी ना? हाँ हाँ सही से कर दिया, खड़ी लॉक कर दिया, लाइट दिखा ना। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हेलो फोन करना जिन बोल जल्दी यार। नमस्ते। तुम फोन करना जल्दी आवला रहा भीतर लो क्या करूं? अरे तीन बार बाबा। अरे वे पौड़ी में हो गए ना, देख तू ही डाल यार, मैं ये कागज जा चक्कर में यार। और ठीक ठाक चलें जी? बिल्ली और ठीक ठाक? हां सब ठीक है। मोमो से पूरा दिन लगा दिया देर रूम से आने से 4 घंटे का रास्ता है। हैं अच्छा इसके लिए खरीदे हो क्या? इसी के लिए तो खरीदा ही। ओके इसी में उद्घाटन इसी से कर दो। अच्छा अच्छा सही है। आपका बेटा है? ये छोटा वाला है। अच्छा अच्छा सबसे बड़ा ये है। अच्छा तुम देहरादून आए थे ना? ये तो आ रखा था। आपकी मम्मी हेलमेट तो उतार दे। हाँ उतार। अच्छा अभी चल ही रहा क्या है? आपकी मम्मी वीडियो चल रहा है क्या? मम्मी है। इंट्रोडक्शन सबको वीडियो। क्या नाम है बाबू? इधर नाम बता भाई, मेरी वीडियो बन रही है। क्या नाम है? सबको दे।